सरस्वती विद्या मंदिर मेन मार्केट का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आज धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज सेवी उदय तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ जूना अखाड़ा के महंत रवि गिरी भी विशेष तौर पर शामिल हुए। मुख्य अतिथि उदय तिवारी ने कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और स्कूल प्रबंधन को सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों में संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो आज के वातावरण में बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान समय तकनीक का है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में संस्कारों का होना बहुत ही आवश्यक है। सरस्वती विद्या मंदिर बिलासपुर में वार्षिक पारितोषिक समारोह में आयोजित हमें हमारे बड़े भाई परविंदर शर्मा जी ने आमंत्रित किया। यहाँ आकर हमने स्कूल, यहाँ के अध्यापक, यहाँ के प्रिंसिपल और बच्चों से मिला। मिलने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि ये लोग स्कूल ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व को निखार रहे हैं बच्चों को। ये हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, माँ बाप के साथ कैसे पेश होना है, समाज के साथ कैसे पेश होना है, देश के साथ कैसे पेश होना है, ये चीज़ें क्वालिटी प्रोडक्ट ये लोग दे रहे हैं इस स्कूल में। इसलिए मैं फिर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शर्मा जी को कि वो इसी तरह से कार्य करते रहें और हमारा जो भी सहयोग होगा हम हर वर्ष देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल पूरे देश भर में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में इसी आयु के दौरान संस्कारों का बीज बोया जाता है, जो कि उनके पूरे जीवन भर काम आता है और अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर गर्व महसूस होता है। उन्होंने भविष्य में भी सरस्वती विद्या मंदिर प्रबंधन और विद्यालय समिति को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा समिति प्रमुख अमित चंद शास्त्री ने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इन स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों के चरित्र का भी निर्माण किया जाता है, क्योंकि उनके भविष्य में काम आने वाला होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों की कमी होने से बच्चों में मानसिक विकास रुक गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों में नैतिक मूल्यों पर प्रमुखता से जोर दिया जाता है, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य रंजना शर्मा ने स्कूल की वार्षिक गतिविधियों की रिपोर्ट पढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने नाटियां, समूह गान, एकल गान और मोबाइल पर बनाए गए नाटक की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए स्कूल शिक्षिकाओं को भी बधाई दी। हिमाचल प्रदेश से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।